महादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव जेएमबी जिनाले के शांतिनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। संत श्रोमणि गुरु आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की। नवाचार्य आचार्य प्रमिष्टि समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवक्ता जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषि प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। आइए सायंकालीन विलंब में टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा, आज उस परिवार को मुनिवर का अतिथि सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो इंदौर में भोजन के नाम से जाना जाता है, जो इंदौर में जेएमबी परिवार के नाम से जाना जाता है। आज उस परिवार को मुनि संघ का अतिथि सत्कार, शंका समाधान और कल की आहार चर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज प्रातःकाल की वेला में उस परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके परिसर में मुनिवर प्रमाण सागरी महाराज के ससंग आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे गांधी कोल्ड स्टोरेज के श्रीमान हसमुख जी गांधी परिवार, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए चलते हैं हमारे जेएमबी परिवार के मांगीलाल जी, समीर मल जी, गंभीर मल जी परिवार के नरेंद्र जी, दिलीप जी, अनिल जी, विकास जी, अजय जी, राजकुमार जी, देव कुमार जी, अशोक कुमार परिवार, जिन्हें परम पूज मुनि संघ का अतिथि सत्कार, शंका समाधान का कार्यक्रम करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा ऐसे जेएमबी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर से निवेदन करेंगे। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित जेएमबी परिवार का निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के निवेदन करेंगे परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से। हे मुनिवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। पूज्य गुरुवर के चरणों में आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, जहाँ कल उनका प्रश्न छूट गया था लास्ट में, खुशी काशलीवाल एलोरा और उसके बाद में राहुल जी शास्त्री इंदौर तैयार रहेंगे, जिनका भी नाम लें वे खड़े हो जाएंगे, माइक वहाँ तक पहुँचेगा, आप लोग अपना प्रश्न बिना नमोस्तु के बोलेंगे ताकि दूसरे को समय ज़्यादा मिल सके। नमोस्तु महाराज जी, आसरा इस जहां, सवाल करो। नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कष्टों को सहा जाता है, कहा नहीं जाता, तो उसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कष्टों को कैसे सहन करें? अगर अपने लक्ष्य को सामने रखोगे तो कितना भी कष्ट हो, कष्ट में भी मस्त हो, कष्ट को स्वीकार कर लो। जितने भी एडवेंचरस काम होते हैं, उन एडवेंचरस कामों में कोई आनंद मिलता है? सब तो कष्टकारी होते, लेकिन लोग उसमें भी आनंद मनाते, क्यों? क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो कष्ट तभी तक कष्टकर प्रतीत तो होता है जब तक हम उसे मन से स्वीकार नहीं करते। मन से स्वीकार कर ले तो कष्ट में भी मस्त रहने की क्षमता विकसित हो सके। राहुल जी शास्त्री इंदौर अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में अपने बीच में सिंगापुर से विवेक जी जैन और प्रमोद जी जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। दोनों ही
व्रतों के ऊपर भी आगे बढ़ रहे हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दोनों प्रश्न पूछेंगे, बोलो। ओ ओ ओ आप बोलो। अलर्ट रहो। नमोस्तु महाराज जी, 2014 से आपके चरणों में हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज बृहद ऊंचाइयों पे आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे जा रहा हूँ। महाराज जी, प्रश्न ये है कि प्राचीन काल में देखा जाता था कि पहले के माता पिता अगर अपने बच्चों से कोई बात बोलते थे तो बच्चे उसको आसानी से ग्रहण करते थे और अपने जीवन में उसे एक अंग बनाया करते थे। प्रायः वर्तमान में देखा जाता है माता पिता बच्चों से कुछ बोलते हैं तो ना तो बच्चे उनकी कोई बातें सुनते हैं और ना अपने जीवन में उसको एक महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं। तो बच्चों को और माता पिता को ऐसी कौन सी सामंजस्य बनाना चाहिए जिससे दोनों का आपस में सामंजस्य बना रहे। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले और अब में एक मौलिक अंतर आ गया। पहले माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ होते थे और बच्चों का हृदय अपने माता पिता के लिए समर्पित रहता था। नतीजा ये था कि उनकी कोई भी बात नहीं टालते। आज भी मैं ऐसे अनेक सफलतम लोगों को जानता हूँ जो अपने जीवन के सफलता का संपूर्ण श्रेय अपने माता पिता को देते हैं और चर्चा में कहते हैं, मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे, मेरी माँ ने मुझे ऐसा सिखाया है। उस पर वो अमल करते थे। तो पहले लोगों का माता पिता के प्रति समर्पण होता था, माता पिता उनके सर्वस्व होते थे। अब माता पिता के प्रति वह कोई समर्पण का भाव नहीं बचा, केवल एक औपचारिक संबंध का रूप ले लिया और अब तो बच्चे ये भी कहने लगे कि आपने हमें जन्म दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो। ये पूरी तरह पश्चिमी सोच का दुष्प्रभाव। यदि हम सोच बदलेंगे तभी जीवन में परिवर्तन आए। हमें चाहिए कि हर बच्चे बच्चे के हृदय में माता पिता के गौरव का बोध करें, उन्हें इस बात को समझाएं कि हमारे जीवन में माता पिता का कितना ऊंचा स्थान है। हमारे शरीर के का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। तो जब तक हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता है श्रद्धा को जगाना। सिंगापुर में रहके भी जो व्रतों के ऊपर आरूढ़ हो रहे हैं, ऐसे विवेक भाई और प्रमोद जी बाज सिंगापुर जो गुणायतन की ट्रस्टी भी है, अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनेश जी काला बानापुरा इंदौर। सभी सिंगापुर वासियों की तरफ से त्रैमुनि राज के चरणों में नमोस्तु और पंच छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी करते हुए, महाराज श्री सर्वप्रथम सिंगापुर में सिद्ध चक्र महाविधान हो रहा है तो उसके लिए आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। नेहा जी जिन्होंने आपसे स्वाध्याय के लिए आशीर्वाद लिया था जैन तत्व विद्या, महाराज जी वो आज ऑस्ट्रेलिया के लगभग 18 लोगों को स्वाध्याय करा रही हैं तो वो भी आपसे आशीर्वाद चाहती हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अभी मैंने कहीं मंदिर गुना के एक मंदिर में देखा था, उस पर लिखा था कि जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, ऐसा लिखा था महाराज जी। और हम लोगों को पढ़ने में आता है कि वंशज भी होते हैं क्षत्रिय वंशज, उसके अलावा महाराज जी दो वर्ड आते हैं गोत्र और कुल, और उसके अलावा महाराज जी ये भी आता है कि ये किस परिवार को बिलोंग करते हैं, इसके अलावा महाराज जी ये भी आता है कि आपका गोत्र कौन सा है। तो महाराज जी जब आदिनाथ भगवान ने एक वंश चालू किया था तो उनके डिसेंडेंट महाराज जी एक ही उसके होने चाहिए, तो ये अलग अलग चेंज कैसे हुआ और इतने सारे टर्मिनोलॉजी कैसे आई महाराज जी? ओ ओ देखिए,
सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन इन लोगों कर लीजिए। ये लोग सिंगापुर जैसे जगह में रह कर के भी धर्म की अद्भुत अलग जगाए हुए हैं, और वहाँ जिस तरह की ये चर्या कर रहे हैं, भारत में भी इस तरह के प्रोफेशनल्स में वैसी चर्या कम दिखती है। हमें इनका पूर्ण अनुमोदन करना चाहिए और इन्हें साधुवाद देना चाहिए। आपने सवाल किया वर्ण, कुल, गोत्र, जाति आदि का परस्पर में क्या संबंध। देखिए, हमारे तीर्थंकरों ने मूलतः वर्ण व्यवस्था दी थी। इक्ष्वाकु आदि कुलों की स्थापना तीर्थंकरों के काल से हुई, और उसमें कुल के साथ जाति भी आई, और पिता के कुल वंश को कुल कहा गया और माता के पक्ष को जाति। ये एक सामान्य विवेचना हुई, लेकिन हमारी जो संपूर्ण व्यवस्था थी सामाजिक, वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से चलती थी। भगवान ऋषभदेव ने मूलतः तीन वर्ण की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें से व्रतियों को छांटकर भरत चक्रवर्ती ने चौथे वर्ण को स्थापित किया, जिसका नाम पड़ा ब्राह्मण। तो इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण जैन परंपरा में प्रचलित हुए, लेकिन इनमें भी ये जन्मना नहीं थे, कर्मणा थे। जो व्रतों का पालन करे वो ब्राह्मण, जो लोगों की रक्षा में तत्परता दिखाए वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा से अपनी जीविका चलाए उसका नाम शूद्र। इसमें एक शूद्र भी व्रती बनकर ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् वपुः शुद्ध्या तादृशः, जैसी उक्ति हमारे यहाँ चली, ये एक परंपरा थी, और उसी अनुसार संपूर्ण व्यवस्थाएं संचालित होती थी। कालांतर में चीजें बदली, फिर जाति व्यवस्था आ गई। अब वर्ण व्यवस्था वर्तमान में खत्म हो गई। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही करनी चाहिए। अपने अपने वर्ण के अनुरूप करना और वर्ण के विरुद्ध जीविका करने वाले के लिए राजदंड का भागी भी बताया गया। लेकिन वो व्यवस्था धीरे धीरे बदल गई, और उस बदली हुई व्यवस्था में धीरे धीरे जाति व्यवस्था हुई, और हमारे यहाँ अनेक जातियाँ उत्पन्न हुई। जातियों का इतिहास भी है, और जातियों के इतिहास के क्रम में प्राय बहुत सारी जातियाँ ऐसी हुई जो जैन धर्म के साथ आकर्षित हुई। उन्होंने सामूहिक रूप से जैन धर्म को अंगीकार किया, और उनकी एक संज्ञा हो गई, वो अलग अलग जाति में बदल गई। जैसे परवार है, खंडेलवाल है ना, गोला पूरब है, गोला लारे है, नरसिंहपुरा है, हुमर है ना, ये आपके यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं। अभी मैं गिनाऊँगा, करीब 32-34 के नाम तो मुझे याद है, पर ऐसा कहा जाता है कि 84 जातियाँ हमारी होती थी, जिनमें से आज बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई। ये जाति व्यवस्था चली, जाति के साथ गोत्र जुड़ा। गोत्र अलग अलग वंश को पहचानने के लिए कहा। मूलतः शास्त्रों में दो ही गोत्र है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, लेकिन जिससे पहचान हो उसे गोत्र कहते हैं। तो हर जाति में अलग अलग वर्गों के गोत्र बने, उनको अलग अलग खेमों में बांटा गया, और उन्हीं गोत्रों के आधार पर उनकी पहचान हुई, और उससे उनकी वंश की परंपरा चली। समझ गए? तो वंश परंपरा चली, विवाह आदि में उसी तरह उन गोत्रों के आधार पर चर्चा चल करके व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। तो आज सब चीज़ें खत्म हो रही, वर्ण व्यवस्था चरमरा गई, जाति व्यवस्था भी खत्म हो गई, और गोत्र की मान्यता भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है।
अब सब कुछ खिचड़ी बनते जा रही है, ये समय का परिवर्तन। नमोस्तु महाराज। अगला प्रमोद जी पूछ रहे हैं। नहीं, अगला। हाँ, आगे जिनेश जी कालाबाना पूरा कर्मठ कार्यकर्ता है इंदौर, अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में वैभव सुनीता जी गंगवाल समादर सागर जी के परिवार से प्रश्न करेंगे। बोलो। हाँ बोलो ना जिनेश जी, माइक व्यवस्था दुरुस्त करो भैया। हेलो, मेरे गुरुवर के महानतम शिष्य प्रमाण सगा जी महाराज सत्संग के चरणों में काला परिवार बाना प्रागा त्रेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जिज्ञासा है, कागजों को जोड़े रखने वाली पिन सबको चुभती है। अभी दो दिन पहले इसका उत्तर दिया, कोई दूसरा सवाल कर लो। तो दूसरा प्रश्न ये है गुरुवर कि जिस प्रकार 5 बालती हुए और 19 तीर्थंकर हुए, तो 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया है, 5-24 भगवान का पंचकरणक तो आता है लेकिन विवाह की तिथियां पहिने बंधन की तिथियां का कहीं भी उल्लेख नहीं होता है, ऐसा क्यों है उनकी तिथियों का उल्लेख? क्योंकि श्रवण और श्रावक परंपरा उन्हीं से चलना है, तो तिथियों का उल्लेख भी कहीं ना कहीं क्यों नहीं आता, इसका समाधान कीजिए गुरुदेव। अच्छा सवाल, होना तो चाहिए, शास्त्रों में विवाह का वर्णन भी, खोज करेंगे तो तिथियां भी मिल जाएगी, लेकिन विवाह का वर्णन है, खोज करेंगे तो तिथियां मिल जाएगी, फिर इसका उल्लेख नहीं, चलन नहीं है, इसलिए क्योंकि हम तीर्थंकरों की पूजा उनके विवाह के कारण नहीं, वैराग्य के कारण करते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण वैराग्य है, विवाह तो संसार में प्रवेश का एक निमित्त है, इसलिए विवाह को गौण करके वैराग्य को प्रमुखता। नमोस्तु गुरुदेव। वैभव सुंदरी गंगवाल इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे JMB परिवार। ठीक माइक दो, उसको हटा दो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि नौकरी छोड़ो रोजगार दो, इस युक्ति को साकार करने के लिए आज के युवक युवती ऐसा क्या करें कि वे नौकरी से आकर्षक पैकेज से बचकर व्यापार अपना अच्छे से करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए बहुत अच्छा संदेश है कि नौकरी छोड़ो रोजगार दो, लेकिन इस बात को सुनकर सीधे सीधे मत दौड़ना, कुछ लोग गलती कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि है नहीं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, व्यापारिक पृष्ठभूमि भी नहीं है और व्यापार करने में लग गए, न इधर के न उधर के, उससे मामला बहुत बिगड़ता है, तो ऐसे मामले को बिगड़ने से बचाएं। जिनकी व्यापारिक स्थिति अच्छी है, जिनका परंपरागत व्यापार है अथवा जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उन्हें नौकरी की सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें पहले अपने आर्थिक आधार को मजबूत बनाना चाहिए, फिर धीरे धीरे व्यापार का सोचना चाहिए, नहीं तो हर कोई व्यापार छोड़ना है, हमें नौकरी छोड़ना है, व्यापार करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि उसमें भी अगर कमजोर है, शुरुआत छोटे व्यापार से करें, और छोटे व्यापार से करके भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आज हीरे का बड़ा व्यापारी है, जापान में बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा कारोबार, और आप सब सुनोगे तो आश्चर्य होगी, आश्चर्य होगा, उसने अपने कैरियर की शुरुआत सब्जी बेच के की, सब्जी बेचने वाला हीरे का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी बन सकता है, बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक ही बात कही, मैंने एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ी है,
एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं की। आज के युवा सब कुछ इंस्टंक्ट चाहते हैं, तुरंत फुरत, परिणाम उल्टा हो जाता है और उसके कारण हम आए दिन आत्महत्या जैसी घटनाएं सुनने लगते हैं। इसलिए ऐसा मत करना। व्यापार बहुत अच्छा काम है, हमें व्यापार को प्रमुखता देना चाहिए, लेकिन अपनी पृष्ठभूमि को देखते हुए। नमोस्तु महाराज जी। मैं चाहूँगा एक बार जेएमबी परिवार पूरा एक साथ ही खड़ा हो जाए, क्योंकि प्रश्न भी बहुत सारे आए हैं। जेएमबी परिवार लगभग 10 प्रश्न हैं, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाएगा। 3 तो बच्चों के प्रश्न हैं, दुबई से परिजन उनके परिवार में यहाँ आई हुई है, और भी आज जिस भूमि पर आप बैठे हैं या सामने आज रात्रि विश्राम भैयावृत्ति का लाभ जो ले रहे हैं, ऐसे जेएमबी परिवार के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। और इतना समय है, तीन सवाल कर लो, दो बच्चे कर लो और एक बड़ा। चलो, नमोस्तु महाराज। एक महिला वर्ग, एक बच्चे, एक पुरुष वर्ग। आ जाओ विकास। विकास जी भी आ जाए, संगीता जी भी आ जाए, दिलीप जो अशोक जी पाटनी जी की बहन है, सब आ जाए। सभी आ जाए। बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र किसने बनाया? बहुत अच्छा सवाल। देखो, नमोकार मंत्र तब से है जब से धर्म। नमोकार में हम लोग क्या करते हैं, पंच परमेष्ठी को नमन करते हैं, और पंच परमेष्ठी कब से है, जब से जैन धर्म है, समझ गए? तो ये जैन धर्म अनादि से है, इसलिए नमोकार मंत्र भी अनादि से। लेकिन इसको लिखने वाले कौन है, तो इसको सबसे पहले लिखे हैं, तो लिखने का काम आचार्य पुष्पदंत भूतबलि ने सरखंडागम के मंगलाचरण में किया। ठीक है, चलिए दूसरा। इस तरह वाले ना, पुरुष वर्ग पूरा। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक क्वेश्चन है, एक चैत्यालय है महाराज जी, उसमें उत्तरमुखी है, उसमें सामने चेंबर वगैरह है, तो पश्चिमुखी भगवान का मुख कर सकते हैं, इसमें सारी दृष्टि दोष भी दूर होता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ है चैत्यालय? LIG के अंदर है। LIG में, इंदौर में है ना। पहुँचने दो भैया जी लोगों को, पहले दिखा लो फिर बात करना, क्या पोजीशन है, क्या संभावना है। दीजिए उधर। एक प्रश्न हो रहा महिलाओं। हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु स्वामी जी, महाराज जी हम सबको एकता का आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत सुंदर, नमोस्तु। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज JMB परिवार एक बड़ा परिवार है और एक दूसरे से बंधा हुआ परिवार है, ऐसे ही बंधे रहना चाहिए। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो सूर्य में जिन चैत्यालय होते हैं उनके दर्शन सिर्फ चक्रवर्ती ही कर सकते हैं या तीर्थंकर भगवान भी? देखो ऐसा है कि सूर्य का बिंब हम लोगों से बहुत दूर है, ऐसी लोक में चर्चा है कि चक्रवर्ती उनके दर्शन करते, क्योंकि चक्रवर्ती को आँख, चक्रवर्ती की आँखें जो होती है सबसे तेज होती है, और वो उस आँख के बल पर देखते हैं। भगवान भी देख सकते हैं, उनकी इंद्रियां सक्षम होती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रयास कभी किया नहीं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं आ। ठीक है, ओ महाराज जी। हाँ एक और ले जाइए। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि नमोकार मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, मन में बुदबुदा कर या बोलकर? देखिए तीन प्रकार है, पाठ, जाप, उपांशु। पाठ जो हम लोग करते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहूनम, ये पाठ। जाप, जाप में भी दो प्रकार का जाप, एक जाप और एक जिसको बोलते उपांशु, और एक होता है जाप मानस। तो जब हम जाप कर रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं पर बाहर शब्द नहीं निकाल रहे हैं, तो वो कहलाता है जाप। ठीक है, जाप कर रहे हैं और उंगली आदि चला रहे हैं, समझ गए, उच्चारण नहीं है लेकिन अंदर अंदर जिब्बा चल रही है, उपांशु। और एक है मानस, जहां केवल श्वास से जाप जप रहे हैं,
श्वास लिया नमो हृदयानम, छोड़ा नमो सिद्धानम, लिया नमो आयरियानम, छोड़ा नमो वज्ञानम, फिर लिया नमो लोहे, छोड़ा सब साहुन, समझ गए। इसको कहते हैं मानस। तो ये तीनों प्रकार से नमोकार का किया जाता है। और चौथा है, तीसरा है ध्यान। तो ध्यान में केवल खोया जाता है, डूबा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, एडवोकेट वीर कुमार जी जैन जो वरिष्ठ समाज से भी इंदौर, वे अपना प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में देवेंद्र जी जैन इंदौर तैयार रहे। हेलो, हाँ वीर कुमार जी जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में देवेंद्र जी जैन इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सिद्धांत संबंधी कई प्रश्न मैंने कई बार किए, आज एक लौकिक प्रश्न आपसे करना। ओम, हाँ बोलिए। हमारे समाज में पैसे की दृष्टि से बहुत तरक्की हो रही है और एक बात ये देखने में आ रही है कि जहाँ वित्तीय और पैसे की स्थिति मजबूत होती है वहाँ धर्म का अभाव होता जा रहा है, बच्चों में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक दिन जिन दर्शन का नियम भी नहीं पालन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई उपाय आप बताएं कि हमारी आर्थिक तरक्की भी हो और हमारे संस्कार और धर्म का अभाव भी ना हो, ये मेरा आपसे निवेदन। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। समृद्धि के साथ संस्कारों का प्रवाह बनाए रखना बहुत बड़ी जरूरत है। यदि हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखते हैं, ओम, बीच में क्यों आ रहे हैं, अनुशासन का परिचय दीजिए, या कोई, तो हम ये देखते हैं कि चक्रवर्तियों के पास अपार वैभव रहा लेकिन उन्होंने संस्कारों को प्रमुखता दी, क्योंकि उनके अंदर सांस्कृतिक निष्ठा थी। वो जानते थे ये महज बाहरी संयोग है, असली तत्व तो भीतर है। इसलिए उन्होंने सदैव उनको प्रमुखता दी और उसी प्रमुखता के बदौलत सब कुछ चला। आज हम लोगों से एक कमी हो रही, हमारे पुरखे हमें संपत्ति देते थे लेकिन उसके साथ प्रमुखता संस्कारों को देते थे। आज जितने लोग हैं अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करते, अटूट मेहनत करते और अपार संपत्ति देते हैं लेकिन संस्कार कहाँ दे पाते, उनके पास वक्त भी नहीं है और परिवार भी नहीं है। पहले संयुक्त परिवार होता था, एक कमाता था चार खा लेते थे, अब एक आदमी चार धंधा करता है। व्यस्तता बढ़ गई, संस्कार धीरे धीरे छूट गए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में संस्कारों के समृद्धि के साथ संस्कारों की अलख बनी रहे तो अपनी संतान को हम अच्छी सीख दें। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के धनी। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को मेरे सामने कहा कि बेटा देख, ध्यान देना, मेरे सामने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, मेरे पास जो धन है और संपत्ति है इसे यदि मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं, यदि मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना वह चाहकर भी नहीं दे सकूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितनी बड़ी बात आपने की। तो उसी समय उनके बेटे ने कहा, महाराज हम लोग आपका प्रवचन नहीं सुन पाते हैं पर जब कभी पिताजी की ऐसी शिक्षाएं मिलती है ना वो हम लोगों को उत्प्रेरित करती है और हम लोग उसमें लगते हैं। कितने माँ बाप है जो अपने संतान को ऐसी सीख देते हैं। तत्व की बात आप अपने घर में करते कहाँ हैं,
आपको खुद पता नहीं है। आप बच्चों को खूब ज्यादा लग्जरियस बनाना चाहते हैं, उसको लिबर्टी देते हैं, ढेर सारी सुविधाएं भी सुलभ कर देते हैं, लेकिन उनको अंदर से स्ट्रांग बनाने का प्रयत्न नहीं कर पाते। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जीवन सफल नहीं। नमस्ते महाराज। देवेंद्र जैन इंदौर अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी इंदौर तैयार रहेंगी। ओम। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, सकल दिगंबर जैन समाज उदयनगर, सकल दिगंबर जैन समाज ग्रेटर ब्रजेश्वरी और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की तरफ से कोटि सा नमोस्तु, कोटि सा नमोस्तु, कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक अर्निंग और एक लर्निंग। जब अर्निंग प्राप्त होती है तो हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब अर्निंग नहीं होती है तो उससे प्राप्त होने वाली लर्निंग को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम अपना अप्रोच कैसे रखें कि जब किसी कार्य से अर्निंग ना मिले तो उस लर्निंग को ध्यान में रखें, इन फ्यूचर जो कार्य करना है उससे कुछ अच्छा कर सकें। देखो, ये अर्निंग और लर्निंग का खेल तब तक चलता है जब तक लिविंग को लोग याद नहीं रहे। तुम अर्निंग और लर्निंग के पीछे क्यों लगे हो? पहले लिविंग को पकड़ो। अर्निंग और लर्निंग से ऊंचा लिविंग है, और जो लिविंग के तत्व को समझता है वो अर्निंग और लर्निंग, उसकी लर्निंग केवल अर्निंग के लिए नहीं होती, वो हर चीज़ में लर्निंग रखता है। सीख लेने की कोशिश होनी चाहिए, और वह तब हो जब हम अपने जीवन के मूलभूत तत्व को समझ सकें। केवल जोड़ घटा और लाभ हानि की तरफ दृष्टि नहीं रखना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए जीवन को बेहतर बनाने की। और जीवन को वही बेहतर बना सकता है जो हर पल अपना सुधार करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, हर घटना से कोई सीख लेता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ब्रह्मचारी संगीता दीदी इंदौर अपना प्रश्न रख रही है, और उसके बाद में असोजी दोषी और धर्म प्रभावना समिति की पूरी टीम तैयार रहेगी। नमोस्तु महर्षि, सभी को नमोस्तु इच्छा में। हमारा बड़ा सौभाग्य कि आज यहाँ पर आपका पदार्पण हुआ, और बहुत 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 आनंद हो रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि मनीषियों ने जो चार आश्रम बताए उसमें दो आश्रम का पालन तो सभी कोई कर लेते हैं, लेकिन जो दो आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है उसका हम किस प्रकार से मानस सबका बना सकते हैं, ताकि सब उसका स्वरूप क्या है और मानस कैसे बनाए सबका? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमारे लिए जो चार आश्रम की व्यवस्था दी गई है वह हमारे संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। अपने जीवन को व्यवस्थित करें, और यदि किसी मकान की नींव मजबूत हो तो उसके ऊपर का संपूर्ण भवन अपने आप सुदृढ़ होता है। हमें नींव को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का अच्छे रीति से पालन कर लिए तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को अपनाने में कठिनाई नहीं हो। लेकिन पहले ही जिसकी संरचना कमजोर है वो ऊपर आगे क्या बढ़े। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक सुनिश्चित लक्ष्य रखना चाहिए। हमने नरभव पाया है, नरभव हमारे लिए कितना मूल्यवान है इसे समझना चाहिए, और ये कितना दुर्लभ है इसे भी जानना चाहिए। अपने लिए मूल्यवान और दुर्लभ नरभव को पाकर उसे सार्थक बनाने का उपाय खोजना चाहिए। और जब हमने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अपने गार्हस्थिक दायित्वों को पूर्ण करने के बाद स्वयं के दायित्व को पहचानना चाहिए। हमने गृहस्थी में पैर रखा उसी दिन सोचना चाहिए कि कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में भाग लेना है, और जब तक मेरी जिम्मेदारी है तब तक मैं सक्रियता से गृहस्थी में अपनी भागीदारी रखूं, और जैसी मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हो मैं अपनी आत्मा के कल्याण के दायित्व को पूरा करूं। घर गृहस्थी के कार्यों से धीरे धीरे सिमटते हुए
अपने आप को परमार्थ के कार्यों में नियोजित करने की भावना अंदर में होनी चाहिए। और जो मनुष्य पारमार्थिक कार्यों में अपने आप को अनुरक्त कर देता है, लगा देता है, वो धीरे धीरे घर पे रहते हुए भी न रहने जैसा होता है। इसी अवस्था का नाम वानप्रस्थ है। और फिर अंत में संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम संन्यास। ये लक्ष्य रखना चाहिए, और आप अगर ये लक्ष्य अपनाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और आप सबके लिए तो एक श्रेष्ठतम उदाहरण है सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल। उनने खूब वैभव के साथ खेला, व्यापार किया, लेकिन अंत एक धोती दुपट्टा में संन्यास रखकर समाधि के साथ किया। यही तो जीवन का मूलभूत लक्ष्य है, ये उद्देश्य होना। तो प्रत्येक गृहस्थी को ये सोचना चाहिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर चलना। नमोस्तु। हाँ, अशोक जी दोषी और धर्म प्रभावना समिति पूरी एक साथ, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बिलाला जी हो, चाहे फाटोती जी हो, चाहे सभी हर्षद मेरा जी वगैरह सभी हैं यहाँ पर उपस्थित। वे अपनी बात भी रख रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। मुनि संघ के चरणों में सत्सत वंदन। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, विनय ये है कि 17 तारीख को मंगल प्रवेश होगा, भव्य मंगल प्रवेश, और आने वाले 21 तारीख को वर्षा योग स्थापना है। जैसा कि होता है वर्षा योग स्थापना में कलश स्थापना होती है, तो अभी कमेटी थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि कलश लेने वाले और जो कलश हमको देते हैं उन दोनों का है कि भाई क्या कितने कलश लेना है, कितने देना है। कमेटी ने यह सोचा है कि शुरू के 5 कलश बड़े, बाद में 9 और बाद में 21 और उसके बाद फिर 105। तो लेकिन आपकी ओर से संकेत कुछ भी क्लियर अभी हमें नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस दिशा में मार्गदर्शन देंगे तो हम थोड़ा सा कमेटी को आगे बढ़ने में या जो प्रबंधन समिति उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। देखिए, ये इंदौर वालों का बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्ष आप लोगों के लिए ये योग मिल रहा है। और मैं एक ही भावना रखता हूं कि आपको जो योग मिल रहा है आप उसका सही प्रयोग करें। योग दुर्लभता से मिला है, मिल रहा, अभी मिला नहीं, मिलने वाला है, लेकिन दुर्लभता से मिलने वाले इस योग का सही प्रयोग और अधिक दुर्लभ है। तो आप सब इस योग का सही प्रयोग करने के लिए अपनी मानसिकता तैयार करें। रहा चातुर्मास के कलश की स्थापना का, मेरे पास भी बहुत लोगों की खबरें आ रही है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो पिछले 10, 12, 15 वर्षों से हर चातुर्मास में कलश रखते ही हैं, लेकिन इस बार हमने इंदौर के लिए कुछ अलग सोचा है। मैं चाहता हूं कि इंदौर का ये चातुर्मास अब तक के सभी चातुर्मासों से हटकर हो, और अगर अलग हटकर हो तो उसकी शुरुआत ही कुछ अलग होनी चाहिए। तो हमने इस बार एक अलग सोच अपने मन में रखी है कि चातुर्मास का कलश तो आपको रखना ही है। आप कलश रखिए, लेकिन इस बार पूरे चातुर्मास में केवल एक कलश रखा जाएगा, केवल सिंगल कलश। आप लोग तकलीफ होगी होगी, केवल एक कलश रखा जाएगा। और जो परिवार ये इस कलश को रखने का सौभाग्य पाएगा उसे चातुर्मास का मुख्य यजमान माना जाएगा। वो पूरे चातुर्मास का मूल पुण्यार्जक होगा। जो भी परिवार हमारे इंदौर के इस चातुर्मास को
पूर्णतः संपन्न करना चाहते हैं और उसमें अपना योगदान देकर श्रेय लेना चाहते हैं। आज कितनी तारीख है? 15 है ना, 17 को हम पहुंच रहे हैं। 17 तारीख तक संपर्क कर ले। इंदौर वाले को प्राथमिकता, इंदौर को ही देंगे, बाहर नहीं देंगे। बाहर वाले भी हैं लेकिन बाहर वाले को अभी हम गौण रखेंगे। इंदौर में जो परिवार चाहे समिति के साथ श्रीफल लेकर मेरे पास आ जाना। उसमें जिसको हम योग्य समझेंगे उसे आशीर्वाद मिलेगा। पर कलश केवल एक ही परिवार का होगा। इस बार चातुर्मास में हमें अर्थ का संग्रह नहीं, परमार्थ की आराधना करनी है अधिक से अधिक। और कमेटी के हाथ पांव ढीले हो रहे मैं देख रहा हूं। तुम लोगों के तो रंग उड़ गए कि अब महाराज ने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। चिंता मत करो, जो मुख्य यजमान होगा वो सर्वोपरि होगा चातुर्मास का। और मैं चाहता हूं कुछ परिवार आगे आ जाए और इस चातुर्मास में जो व्यय होना है उस व्यय के भार को आपस में बांट ले और उन सबको चातुर्मास का ध्वज वाहक बना दिया जाए। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि बिना कलश के भी चातुर्मास हो सकता है और एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। क्योंकि कमेटियों के पास खर्च की समस्या होती है और खर्च की समस्या को पूर्ण करने के लिए लोग कलशों को रखने लगे। और फिर तुम लोग बनिया हो तो बनिया तो फिर आती लक्ष्मी तुम लोगों को अच्छी लगती, तो कलशों में एक दो नहीं फिर कितने होने लगते पता ही नहीं चलता। इसलिए ये शुरुआत इंदौर से हो, एक कलश। और एक ही कलश में कोई ऐसा पकड़ लो आ ही जाएगा जो अपने आप में तुम्हारी सारी अपेक्षाओं की पूर्ति का आधार बनेगा। और कुछ खासकर जो आगे आए हैं वे परिवार, जो परिवार चाहते हैं कि महाराज श्री के सानिध्य का हमें लाभ लेना है और इस चातुर्मास में अधिक से अधिक धर्म प्रभावना में सहभागिता देनी है, वे आगे आ जाओ, स्वागत है। ये कोई एहसान नहीं है, किसी नाम के लिए नहीं, ये तुम्हारे धन को सार्थक बनाने के लिए और जीवन को धन्य बनाने का एक माध्यम है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं बोलो? और कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर नहीं सकते, अच्छे से कर सकते हैं। और वो अच्छे से करने की शुरुआत आपको करनी है। आप तय कर लीजिए, एक तो मुख्य यजमान मेरे पास ले आइए या आ जाइए और ध्वज वाहक आपको जितने चाहिए उनको मेरे पास ले आइए। मैं उनकी भूमिका सुनिश्चित करूंगा और पूरी समाज से केवल एक ही बात कहूंगा, सब विकल्प छोड़कर विशुद्ध धर्म ध्यान करना है और जीवन में रस घोलना है, जीवन का रस लेना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। तो मैं समझता हूं समिति को कोई कठिनाई नहीं होगी। और चिंता मत करना, हमारे पास आज तक पैसों की कमी नहीं हुई। बोलियां तो हमारे चातुर्मासों में ऐसी नहीं लगती कलशों की और भी चीजों की, पर कभी कमी नहीं पड़ती। आप तो कमर कस के तैयार रखिए, अगर अच्छा काम करोगे तो जब जरूरत होगी पैसा बरसेगा। जो भी कार्यक्रम हो, एक एक कार्यक्रम को एक एक आदमी संपन्न करा देंगे, उसमें कोई कमी नहीं। आप लोग तो केवल ये तय कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे जीवन का जो उत्कृष्टतम योगदान है वो मुझे देना है। अब आप कहोगे महाराज हम साधारण लोगों का क्या योगदान होगा, आपकी उपस्थिति भी बड़ा योगदान है, आपकी सहभागिता भी बड़ा योगदान है और इसके अलावा भी योगदान देना चाहते हैं, तो कमेटी के कार्यालय में संपर्क करके अपनी शक्ति के अनुसार जो कंट्रीब्यूशन देना है वो दे देना, आपका काम हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है।
गुरुओं से आप लोग लेते हो तो गुरुओं के निमित्त धर्म प्रभावना के निमित्त देना भी सीखना चाहिए, तभी लेना सार्थक होगा। महाराज की जय। प्रश्नों की बोचार तो अभी और होना है, लेकिन बीच में मैं बुला रहा हूँ प्रश्न के लिए, फिर आमंत्रित कर लूंगा। पहले मैं बुला रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी को, वे अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद में और जो प्रश्न है उनसे इस प्रश्नों को अपन यहाँ पर रखेंगे। जब लो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आपकी चेतना 17 तारीख के लिए पर्याप्त नहीं है, दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा और पूरी चेतना का एहसास यहां पर दिलाइएगा। जब लो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य संघ की, आइएगा बंधु। आगाज आपने देखा है, महाराज श्री ने आप सबके लिए बतला दिया है कि ये चातुर्मास बदलाव का चातुर्मास है। आपकी आम धारणा है चातुर्मास धन संग्रह के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, लेकिन इस धारणा को इंदौर वालों बदल लो, क्योंकि आने वाले एक दिन के बाद 17 जुलाई को एक ऐसे संत का प्रवेश आपकी पावन नगरी में होने के लिए जा रहा है, जो संत इंदौर को बदलने के लिए आ रहे हैं, इंदौर में बदलाव की लहर लाने के लिए आ रहे हैं। 17 जुलाई बुधवार, समय याद रखिएगा, प्रातः 7 बजे उदयनगर से महाराज श्री की भव्य आगवाणी का जुलूस प्रारंभ होगा। आपको आना है, अपनों को लाना है, आप आइएगा, अपनों को लाइएगा और उस जुलूस में अपना सौभाग्य जागृत कीजिएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरा इंदौर तैयार है, इंदौर के लोग तैयार हैं, और इन तैयारियों को लंबे समय से धन प्रभावना समिति के साथ अभय भैया जी पूरी कमर कस करके पूरी समिति को साथ लेकर के तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभय भैया जी 17 जुलाई के लिए उदयनगर से जो जुलूस प्रारंभ होना उसका क्रम बतलाएंगे, और साथ ही मैं आपको बतला दूं 21 जुलाई को पूज्य मुनिश्री की वर्षा योग स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। दोपहर 1 बजे से समोसरण मंदिर से वर्षायोग कलश स्थापना का दिव्य शोभा यात्रा, और 2 बजे से कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आइएगा हम एक बार पुनः आह्वान करते हैं कि उस गुरु पूर्णिमा पर जब वर्षायोग की कलश स्थापना करेंगे, एक सौभाग्य और आपके साथ में होगा, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के 10वें दीक्षा महोत्सव को मनाने का। तो आइएगा हम अभय भैया जी के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे जुलूस के संबंध में और रूट के संबंध में अपनी जानकारी प्रदान करें। जुलूस में क्या क्या वैभव है बाढ़ साहब में पहुंच चुका है, लेकिन इस वैभव की जानकारी ज्यादा नहीं दूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, उदयनगर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी बंगाली चौराहा, बंगाली चौराहा से कनाडिया रोड, पत्रकार कॉलोनी पलासिया चौराहा, उदासीन आश्रम कल्याण भवन से होते हुए घंटाघर चौराहे से पहुंचेगी मोहता भवन, और वहां पर परम पूज मुनिवर की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत पाद प्रचना आदि विधि संपन्न होगी। मुनिवर के सानिध्य में मंगल प्रवचन का कार्यक्रम होगा, और उसके पश्चात 17 तारीख की प्रथम आहार चर्या समोसरण जिलाने से परम पूज मुनिवर की संपन्न होगी। 21 तारीख की जानकारी आप तक प्रेषित कर दी है, मैं यही कहना चाहेंगे आप स्वयं आए, दूसरों को लेके आए। आपने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है, और साकार होती हुए सपने को अपने इन नेत्रों का विषय बनाते हुए जब जब तुम चातुर्मास के उन क्षणों को याद करोगे, तब तब पुण्य कमाओगे। पुण्य कमाने का अवसर आपको मिला है, दूसरों को कमाने का अवसर दें। और मुनिवर से निवेदन करना चाहूंगा, मुनिवर आप अपने मुखाग्नि से ऐसी प्रेरणा दें कि पूरा इंदौर उदयनगर से मोहता नगर तक नजर आए। ओ, मुझे प्रेरणा देने की बात कर, मैं तो इंदौर को देखने आ रहा, अभी तक कभी इंदौर आया नहीं, पहली बार देखूंगा कि इंदौर कैसा है, और मैं इतना ही चाहता हूँ कि इंदौर में मुझे पूरा इंदौर दिखना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आप सबकी है, बाकी इस विषय में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा मैं महसूस नहीं करता, लेकिन एक संयोग बहुत अच्छा है, 21 तारीख का
कि महाराज श्री का दसवां मुनि दीक्षा दिवस, और ये भी सुयोग ये 10 साल मेरे पास रहे और मुनि बनने के बाद पहली बार मेरे साथ है और ये इनका पहला दीक्षा दिवस का था। हम लोग उसे भी बहुत भव्यता और उत्साह के साथ आयोजित करेंगे, संपन्न करेंगे। और अभी जो बातें मुझे चातुर्मास के संबंध में कहनी थी कह दी, अब आगे थोड़ा सा समय और शेष है, शंका समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आप सब अपनी इसी तरह की उत्कंठा और पिपासा को बनाए रखें ताकि जीवन में कुछ बेहतर घटित कर सके। सवाल अशोक रानी जी दोषी और मनोज अजमेरा, मनोज बातलीवाल अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सब लोग इकट्ठे आ जाओ, तैयार रहेंगे अपने। महेंद्र जी जैन जो रशिया से हैं ललितपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। महेंद्र रशिया, बोलो। नमस्ते महाराज श्री, आपको इंदौर नहीं देखना, पूरा इंदौर आपको देखना चाहता है। ठीक है, इंदौर आपको नहीं देखना है। दूसरी बात क्या है, परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी की ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस कहें, वंदे भारत ट्रेन कहें, या फिर राज शताब्दी कहें, वो इंदौर के आउटर पर अटक गई है, जंक्शन पूरा खाली है। आपकी ट्रेन अब आराम से इंदौर जंक्शन पर रुकेगी, ऐसा हमारा सोचना है महाराज श्री। छोटा सा प्रश्न ये है महाराज श्री की, इतिहास में सबसे पहले राम और रावण का युद्ध हुआ लेकिन वो भी समाप्त हो गया, उसके बाद महाभारत हुआ वो भी कुछ टाइम के लिए समाप्त हो गया, उसके बाद वियतनाम अमेरिका, आज के आधुनिक युग में वियतनाम अमेरिका ईरान इराक सब युद्ध हुए, वो सब समाप्त हो गए। लेकिन महाराज श्री प्रश्न है कि हमारी जो मन की इच्छाओं का, आवश्यकताओं का, महत्वाकांक्षा का जो युद्ध है, उसको कैसे समाप्त करें, उसको कैसे समस्या कैसे समाधान करें, मन के युद्ध को कैसे समाप्त करें। बिल्कुल, बहुत ही सामयिक सवाल है। मैं तो ये कहूँगा, भीतर के अयुद्ध को पहचानेंगे तो सारे युद्ध खत्म हो जाए। जब तक आत्मदृष्टि हृदय में नहीं जगती तब तक ये द्वंद्व चलता रहता है। जिसे आत्मबोध होता है सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक तैयारी होनी चाहिए जो हमारे जीवन को रूपांतरित करे, हमारी चित्त वृत्ति को शांत। नमस्ते महाराज। ओ मनोज जी बातलीवाल, हाँ, इंदौर, और उसके बाद में महेंद्र जी रसिया। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव में शंका समाधान के माध्यम से इंदौर नहीं संपूर्ण देश से आह्वान करना चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवेश, मंगल आगवानी 17 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग इस मंगल आगवानी में आपकी आगवानी करने के लिए पहुंचने वाले हैं। निश्चित ही पूरा इंदौर आपके चरणों में उमड़ पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जो जो हमारे इंदौर के आसपास के गांव हैं, शहर हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ, संपूर्ण देश से निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक की संख्या में पधारकर इस मंगल भव्य आगवानी को सफल बनाएं। इतने ही से मेरा निवेदन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, समय हो गया आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, जो, यहाँ जो लोग रह गए हैं, हाँ, बुला लो। एक अनिल जी सतवानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका यह स्थान है, वे आ रहे हैं यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और साथ में आ रहे पार्षद राजीव जी जैन, तिलकनगर के पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आ जाएं और पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।